इतो लखा दुनिया लंघती है और लोग पैदल यात्रे आते हैं। सुबह शाम होवे तेरी मेहर मैया, सुबह सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो रेस्टवे न्यूज़ ते मैं कुलवंत सिंह सोहल। असी बिल्कुल पहुँच चुके हाँ माता चिंतपुर्णी चौंक, तुहाड़ी गलबात करवाने युवा वैनी दे प्रधान छोटे जी दे नाल। आओ उन्हां नाल गलबात करदे हां, अज इत्थे इकट्ठे हो रहे और लाइटां दे नाल किद्दां चिंतपुर्णी चौंक जगमगा रहा है, असी उन्हां दे नाल गलबात करदे हाँ। हाँ जी सत श्री अकाल, जय माता दी। हाँ जी हाँ जी सर, ये शहर वासियों का बड़ा सहयोग आ कि जिन्होंने सानू माता चिंतपुर्णी चौंक वास्ते बहुत सपोर्ट की है, और धन्यवाद जी असी बड़ा श्री शर्मा जी जिन्होंने साढ़े नाल दिन रात मेहनत की है, और युवा वाणी वालों ये माता चिंतपुर्णी चौंक का नाम दिता गया है, और समाजिक राजनीतिक धार्मिक संस्था बहुत सानू योगदान है जिन्होंने साढ़े नाल पूरा साथ दिता, और असी 50 MCA को उन्होंने को सैन कराए थे, और होशियारपुर धार्मिक संस्था जिन्हिया समा उन्होंने को सैन करा के असी मेयर साहब को नगर निगम च पास करा दिता, और साढ़ा चौंक पास किया गया। ये माता चिंतपुर्णी का जरा चौंक है, ये इतों लखा दुनिया लंघती है और लोग पैदल यात्री आते हैं, और पता लगता है माता चिंतपुर्णी चौंक का रस्ता इधर ही जा रहा है। नहीं तुम छोटा जी एक चीज़ दसो भी तू इस चौंक बनाने कि संघर्ष करना पाया? संघर्ष साढ़े भरा नाल से, और मैं कोई दिक्कत नहीं आई, महामारी बड़ी अपार कृपा हुई जी। तो बाकी रोड़ा साहब ने सानू 10 लाख रुपए दसगा जिदे असी चौंक के सारा निर्माण कराया गया, और साढ़े अश्विन शर्मा जी बड़े उन्होंने साढ़ा बड़ा योगदान है, युवा बाणी का बहुत योगदान है जी। ठीक है जी, मतलब तुम कहने कि जो ये तैयार हो रहा है तो इतने जो कैबिनेट सबका कैबिनेट मंत्री अरोड़ा जी उन्होंने तुम्हें 10 लाख रुपया ये अपना सहयोग पाया। हाँ जी ठीक, और असी मंडी बोर्ड का तरसेम लाल प्रधान जी का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने हर वेले सानू साथ दिता जी। हुण तुहाडी गलबात कराउंदे आ इत्थे जिहड़े सब्जी मंडी दे प्रधान ने करियो गल, तरसेम लाल जी। हाँ जी तुसी की कहना चाहुंदे हो? जय माता दी। ये जिहड़ा चिंतपुर्णी चौंक आ सारिआं दे सहयोग नाल शहर वासियां दे बहुत वधिया बणिआ, ते होर भी बहुत वधिया अगे तों बणाया जाएगा। इत्थे जिन्नी भी वध तों वध हर साल लंगर भी महामाई दा ते जागरण कराया जाएगा। गल एक होर माता जी दे भगत सुरेंद्र नाथ जैर जी ना करवाउंदे आ, उहनां दे भी विचार सुणदे आ इहदे बारे। हाँ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं मुबारकां होण। होशियारपुर दे विच चिंतपुर्णी माता दा मेला हर साल चलता है अपने चिंतपुर्णी हिमाचल च, उसकी यादगार दे विच उसकी जानी कि हर साल इत्थे जगराता कराया जाता जिहड़ा करण विक्रम च होया। देखण वाली सड़क आ सब्जी मंडी तो शुरू हो जाती करण विक्रम ते जाके खत्म होंदी आ, अंदर देखने वाला करण विक्रम का इन्ना सोहना सजाया, मैं कहा महामाई इदां नज़र आती जिदा कोले बैठी आ। सो मैं महामाई के दो शेर अर्ज कर रहा सुनना, सुबह शाम होवे तेरी मेहर मैया, सुबह शाम होवे तेरी मेहर मैया, सुबह शाम आइयो सवाल साडा, तंदुरुस्त अपने भगतों नूं रखी अठो पैरी रखी ख्याल साडा, खाण पीन हंडाने मन जांदा, खुशियां विच लंघे हरेक साल साडा, साडे हाल ते होवे जे तेरी मेहर मैया, कदी ना होवे बिंगा वाल साडा। अर्ज कर रहे हैं जगारा शेरावाली दा, जगारा शेरावाली दा बोल साचे, अर्ज कर रहे हैं ए महामाई मैनू रखी चरणा दे कोल, ए महामाई मैनू रखी चरणा दे कोल, तेरे जिया ने मिलिया मैनू कोई होर, मैं सब थां ठोकरां खादियां दुनिया च घूमिया किसे ने नहीं मैनू अपनाया, माई थक के हुण मैं तेरे कोल आया, मेरे तेना बनी कठोर, रखी मैनू चरणा दे कोल, माई तेरे जिया नहीं मिलिया मैनू कोई होर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ये सन साढ़े नाल जैरज जी जिन्होंने शेरो शायरी दे नाल माता दा गुणगान किया। आओ असी गलबात होर करते हाँ। हाँ जी भाजी सत श्री अकाल, पवन जन्नत जी ना। हाँ जी भाई सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय माता दी जी, जय माता दी जी। हाँ जी, साढ़े शहर दे विच बहुत वड्डा नाम रोशन किया युवा बाणी जिन्ने मैंबर ने, ठीक है, कि महामाई का मेन दरबार है
ਰਸਤ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਇਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਇਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਕਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯੁਵਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯੁਵਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੁਵਾ ਵਹਿਣੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੈਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ